हल्द्वानी में जल संस्थान के संविदा कर्मचारियों ने जल संस्थान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कार्य बहिष्कार का ऐलान करते हुए कहा कि शहर के 190 संविदा कर्मचारियों को 2 महीने से जल संसाधन विभाग ने वेतन नहीं दिया है। 1 साल पहले संविदा कर्मचारियों का जो समझौता हुआ था उसका भी जल संसाधन विभाग ने उल्लंघन किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ज़्यादा बड़ी नहीं है, हमारा 2 महीने से एक तो वेतन नहीं दिया गया है और सर हमारा 15 महीने से महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है। और सर हमारा एक जो 2021 में 2021 में एक समझौता हुआ था उसका अभी तक 7-8 महीने हो गए, अभी तक पालन नहीं किया गया। जबकि हमारा एक्शन साहब से इतनी बार वार्ता हो गई है, हम मौखिक इतनी बार मिल चुके हैं कि उनको पिछले 2 महीने का हम तनख्वाह नहीं दे पाए क्योंकि हमें मुख्यालय से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन हमारी बात हो रही है ऊपर, तो हम डाइवर्जन करके कहीं पैसा दे रहे हैं इनको अभी, और आज ही शायद हम इनको पेमेंट कर देंगे।